सो हेलो डे स्टूडेंट्स तो इसमें ये जो चैप्टर फाइव का चैप्टर रिवीजन है इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि करना क्या है सो so दैट आप इसको कर सको इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देयर आर टू बाई नाइन चॉकलेट्स इन वन बॉक्स फाइव बाई सिक्स इन अन बॉक्स हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन ऑल टुगेदर तो ध्यान रखो जब भी ऑल टुगेदर पूछा जाए ना उसका मतलब है एडिशन करना है सो so, कैसे एडिशन करते हैं एक बार आप देख लो अब एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि आपको कैसे uh, करना है क्या चीज़ें करना है वो आना चाहिए वर्ड uh, प्रॉब्लम लिखना आना चाहिए वही सेम चीज कर रही करी हुँ. तो यहाँ पे टू बाई नाइन आप वर्ड प्रॉब्लम खुद से लिखना कि एक बॉक्स में इतने हैं दूसरे बॉक्स में इतने मैं सिर्फ आपको करना कैसे वो बता रही हूँ फाइव बाई सिक्स अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों का एल्सियम ले लो एम मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस नाइन फोर जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव नाइन सिक्स फिफ्टी फोर सो प्लस कर लो फिफ्टी सेवन अपॉन फिफ्टी फोर सो so, अब यहाँ पे देख लो कुछ इसको 57 सेवन अपॉन फिफ्टी तो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये होता है 19 इंटू थ्री एंड एटीन इंटू थ्री सो थ्री से थ्री डिवाइड हो जाएगा आंसर हमारा 19 अपॉन एटीन आ जाएगा ये भी करेक्ट है आप ये भी कर सकते हो ठीक है दिख रहा है कि नहीं हाँ अब सही है क्वेश्चन नंबर टू है ब्लेड स्पेंट वन वन बाय थ्री ऑफ सैलरी ऑन हिस्स फैमिली वन बाय सिक्स ऑन हिमसेल्फ वॉट इज द टोटल फ्रैक्शन ऑफ द सैलरी ही स्पेंट अगेन प्लस करना है टोटल जब भी पूछा जाए तो प्लस करना होता है वन बाय थ्री प्लस वन बाई सिक्स क्या हो जाएगा सिक्स वन या सिक्स प्लस थ्री सिक्स थ्री या एटीन सिक्स प्लस थ्री नाइन बाई एटीन इसका मतलब है वन बाई टू फिफ्टी परसेंट सैलरी उसने खर्च कर दी अ पेशेंट वॉज गिवन वन एंड वन बाई फोर टी स्पून ऑफ मेडिसिन इन द मॉर्निंग वन एंड वन हाफ टी स्पून मेडिसिन ऑफ इन इवनिंग वॉट वॉज द अमाउंट टोटल ऑफ द मेडिसिन गिव इन दैट डे उस दिन कितनी दी गई तो फिर इसमें क्या करना है प्लस करना है वन एंड वन बाई फोर प्लस वन एंड हाफ सो पहले इसको फ्रिक्श मिक्सड uh, से सिंपल में करो फोर वन जै फोर प्लस वन फाइव बाई फोर प्लस टू वन जै टू प्लस वन थ्री बाई टू सो इसका क्या हो जाएगा फोर और टू का एल्सियम फोर हो जाता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो फोर से फोर डिवाइड हो गया टू टू जै फोर इन टू सिक्स कैसे करते हैं मैंने क्या क्या इन दोनों एलसीएम फोर लिया ठीक है फोर लेने के बाद फोर से फोर को डिवाइड करना है वन आएगा वन का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो फाइव आएगा फिर टू से इसको डिवाइड करेंगे फोर टू आएगा टू टू जा फोर उस टू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सिक्स आएगा फाइव प्लस सिक्स इलेवन अपॉन फोर मतलब इतनी दवाई उसको उस दिन में दी गई अब इसको मे बी मिक्स ट्रैक्शन में दिया हो पीछे आंसर तो कैसे करेंगे इसको डिवाइड फोर टू जी एट होता है टू एंड थ्री अपॉन फोर ठीक है टू एंड थ्री फोर्थ इतनी दवाइयाँ उसको दे दी गई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है फ्रॉम अ वुडन पीस दैट इज थ्री बाई एट सेंटीमीटर लॉन्ग टू बाई एट सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट ऑफ व्हाट इज द लेंथ रिमेनिंग अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी करने की यहां पे पूछा है रिमेनिंग सब्ट्रैक्शन करना है और डिनोमिनेटर सेम है सो थ्री बाई एट में से टू बाई एट को सब्ट्रैक्ट करना है और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिर्फ ऊपर फ्रैक्शन फोकस करते थ्री माइनस टू इज वन तो मतलब वन बाई एट एक पार्ट उसका रिमेनिंग है ठीक है यहाँ पे क्या है फॉर हिज बर्थडे पार्टी मिया बॉट क्वेश्चन नंबर फाइव है फॉर बर्थडे पार्टी मिया बॉट सिक्स एंड हाफ वन बाई एट लीटर जूस शी सर्व फाइव बाई टू लीटर्स ऑफ फाइन द रिमेनिंग अगेन जब रिमेनिंग पूछा जाता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं इसमें से हमें फाइव बाई टू को सब्ट्रैक्ट करना है आई होप आपको ये कैसे करना है पता चल गया होगा अपॉन में एट माइनस करना है फाइव बाई टू राइट एल सी एम क्या हो जाएगा एट हो जाएगा एट और टू का एट से एट डिवाइड करोगे वन आएगा वन इंटू फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन माइनस टू फोर एट फोर फाइव ट्वेंटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा नाइन यहाँ पे हो जाएगा. माइनस टू टू ट्वेंटी मिक्स फ्रैक्शन में ट्वेंटी फोर प्लस मुझे क्लियर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा आप अपने बुक में भी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्स है आर ऑर टेक्स टू बाई फाइव मिनट्स टू सॉल्व अ रिडल एंड देबल टेक्स वन बाय सेवन मिनट टू सॉल्व द सेम रिडल हु टेक्स लेस टाइम बाय हाउ मच सो अगेन टू बाई फाइव में से हमें वन बाई सेवन को सप्रैक्ट करना है कैसे करेंगे अभी यहाँ पे सेम नहीं है ना तो इनको एलसीम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सेवन टू ऑफ फोर्टीन माइनस फाइव अपॉन में थर्टी फाइव फोर्टीन माइनस फाइव इज नाइन बाय थर्टी फाइव ठीक है सो यहाँ पे इन्होंने बोला है आर आर टेक्स टू बाई फाइव मिनट्स टू सॉल्व अ रिडल टेबल टेक्स वन बाई सेवन मिनट्स टू सॉल्व द सेम रिडल्स लेस टाइम बाय हाउ मच यहाँ पे नाइन बाई थर्टी फाइव सो अगर हम देखें तो आर ओ 2 टू बाई फाइव एंड डेबल टेक्स टू बाई वन बाई सेवन ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरीके से नहीं करो मैं आपको एक शॉर्ट बता रही हूँ सिंपली लिखो पहले आर ओ का कितना टाइम लग रहा है उसको टू बाई फाइव लग रहा है डेबल का कितना लग रहा है वन बाई सेवन ठीक है यहाँ पे अब दिखेगा दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम करो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टीन अपॉन में थर्टी फाइव यहाँ पर हो जाएगा फाइव इंटू फाइव फाइव अपन में थर्टी फाइव अब देखो थर्टी फाइव थर्टी फाइव सिम्पल हो गए थर्टी फाइव थर्टी फाइव मिनट किसको ज़्यादा लग रहा है ये जो है देबल थर्टी फाइव मिनट्स में से फाइव मिनट ही ले रहे हैं इनको सॉल्व करने में तो सिंपली दिख रहा है किसको कम समय लग रहा है समय लग रहा है देबल को कम ता, कम टाइम लग रहा है अब कितना लग रहा है अब फोर्टीन में से फोर्टीन माइनस फाइव अपॉन थर्टी फाइव कर दो नाइन बाई थर्टी फाइव मिनट ठीक है सो इतना कम टाइम लग रहा है इनको सॉल्व करने में किसको देबल को राइट right? सो so, ये इजिएस्ट वे है ना क्वेश्चन नंबर सेवन है लक्ष्मी थ्रू अ शॉर्ट पुट थ्री एंड वन बाय फाइव मिनट्स अवे ऑन द स्पोर्ट्स डे अवर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ दिस हु थ्रोज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच सो अगेन इसमें सप्रैक्ट करना है मैं आपको सिर्फ अब बता दे रही हूँ कि करना क्या है सब्ट्रैक्शन करना है किसमें से पहले इनको मिक्स से सिंपल में करो उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो जो आंसर आएगा उससे पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एट है वेट ऑफ संदीप इज वन एंड फोर बाय फाइव के जी मोर देन राहुल एंड वेट ऑफ राहुल इज टू बाय थ्री के जी लेस देन दैट ऑफ सचिन इफ़ सचिन वेट इज़ फोर्टी फाइव एंड थ्री बाई फाइव के जी फाइंड द वेट ऑफ संदीप तो इसको कर लेते हैं सो so प्लीज़ इसको थोड़ा सा मैनेज करना मैं बस क्वेश्चन नंबर एट ही बता पाऊंगी बिकॉज मेरी क्लास है ऑनलाइन तो मैं जा रही क्लास लेने उसके बाद मेरे ट्यूशन्स हैं सो प्लीज़ जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया उसको खुद से ट्राई कर लो बिकॉज सेम है ठीक है अग, अगर टोटल पूछा तो सप्रैक्शन करना है प्लस करना है अगर रिमेनिंग पूछा है तो सप्रैक्शन करना है ठीक है सो क्वेश्चन नंबर एट देख लो मैंने इसको लिख दिया है क्या है वेट ऑफ संदीप इज दिस मोर देन राहुल वेट ऑफ राहुल इज दिस लेस देन सचिन अगर सचिन की वेट इतना है सचिन का हमें वेट संदीप का फाइंड आउट करना है सो so, राहुल का वेट कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए सचिन के वेट में से इतना सप्रैक्ट कर दो क्योंकि इतना ही कम है तो सचिन का वेट इतना है इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में करोगे टू थर्टी एट अपॉन फाइव आएगा और इसमें से ये सब कर दो अब यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया आप इसको नोट डाउन कर लो बस यही करना है अब राहुल का वेट हमें पता चल गया इतना तो अब संदीप का फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि संदीप का बस इतना ज़्यादा है राहुल के वेट से सो so, बस राहुल के वेट में इतना प्लस कर दो ये मैंने इसको सिंपल से मिक्स मिक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर दिया नाइन बाई फाइव नाइन बाई फाइव का जो है आंसर वन बाई वन पॉइंट एट होगा उसके बाद मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया सो so ये फोर्टी एट पॉइंट सेवन थ्री के हो जाएगा किसका संदीप का सो आई होप आप इसको समझोगे और अच्छे से सॉल्व करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो टोटल पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करना है रिमेनिंग अब ऐसे मत सोचो कि मैम यही यही क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन में बस यही ध्यान रखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है उसको सेम करके एलसीएम लेके सेम करना है उसके बाद सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन मैम पूछ सकती हैं डिजिट चेंज कर सकती हैं आपको मेथड आने चाहिए ठीक है सो बाय बाय